गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो। तो गाइस, ये मेरा पहली पहला ब्लॉग है। तो गाइस, हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना और हमारे जो हमारी वीडियोस को भी लाइक कर देना। तो गाइस, हमें जो है ना सपोर्ट करते रहना ताकि हम जो है और भी ज़्यादा वीडियोस लेके आएँ आपके लिए। तो गाइस, मैं आज से आपको पहला मेरा ब्लॉग है तो मैं आपको ना अपने घर का पहले टूर दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेरी एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर होते हैं घर में, ठीक है। तो हम एंटर आपको दिखाते हैं। एंटर होते ही यहाँ पे हमारा छोटा सा किचन है जिसमें यहाँ पे खाना बन रहा है। तो गाइस, अभी यहाँ पे छोटा सा हमारा रूम है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारा सामान है, देख सकते हैं आप। हमारा छोटा सा सामान है यहाँ पे। ये वाली अलमारी मेरी मम्मी पापा की है, ये वाली हमारी है, मेरे और मेरे भाई की। यहाँ पे बक्से में हमारे नए कपड़े रखे हैं। और गाइस, ऊपर मचान भी है। यहाँ पे हमारी पढ़ाई के लिए बुकें रखी हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा और भी सामान रखा हुआ है, तेल शैम्पू। और यहाँ पे गाइस, हमारे मेकअप का सामान रखा हुआ है। तो गाइस, हमारी वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस, यहाँ पे जो है हमारी टीवी है, और हमारा बहुत एक प्यारा सा क्यूट सा हमारे पास एक वो है, दिखाते हैं आपको गाइस। ये देखो गाइस, ये कितना क्यूट है। ये बहुत बड़ा है गाइस, ये पूरा इतना बड़ा है ये गाइस, मेरे को मेरे पापा ने बर्थडे पे दिया था। अभी इसका रंग देख के कैसा हालत हो रही है इसकी, हम इसको धोएंगे। तो गाइस, ये अभी जो है ना गंदा हो गया है तो हम इसे धोएंगे। ये बल्कि अभी एक ही हफ्ता हुआ है तो ये हाल हो गया इसका। तो गाइस, हम दूसरा रूम दिखाते हैं आपको। तो गाइस, यहाँ पे जो है हमारी बड़ी सी फ्रिज है, देख सकते हैं गाइस। और ये हमारा छोटा सा कूलर है, ये पीछे का है। तो ये देखिए गाइस, ये फ्रिज बहुत मस्त है, देख सकते हैं आगे की ग्लास लगा हुआ है। कोई भी सामने आता है तो ये पूरी पूरी देख सकते हैं गाइस, कैसे यहाँ ठहरा है ना। अंदर से भी बहुत अच्छा है, अंदर का सामान मत देखो गाइस। हमारे पास एक फिश टैंक है जिसमें एक ही मछली है, गर्मी के मारे ये तो रह ही नहीं पाती हैं। और भी है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, हम दूसरे रूम में आ गए हैं। यहाँ पे एक मिनट लाइट ऑन कर देते हैं गाइस। यहाँ पे हमारा छोटा सा ये भी रूम है हमारा, उतना ही बड़ा है जितना बड़ा वो था। बस यहाँ पे कम सामान है तो आपको ज़्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बस बिस्तर रखे हुए हैं और यहाँ पे मेरे पापा का सामान रखा हुआ है छोटा मोटा। यहाँ पे पापा का मटेरियल रखा हुआ है, तो जो मेरे पापा काम करते हैं ना तो उसका रखा हुआ है। तो चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, लाइट बंद करते नहीं होने जा देते हैं। चलो, तो गाइस यहाँ पे हमारा जो है हवा आने का है, हवा आती है यहाँ से बहुत अच्छी। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेरे पापा जो है ना काम करते हैं। तो गाइस, आप जो हो ना, यहाँ पे मेरे पापा ना सूट भी काटते हैं, कोट भी काटते हैं। तो गाइस, अगर आपको कढ़वाना हो अपने सूट पे, कोई कढ़ाई वढ़ाई करवानी हो, जैसे कोई करवाता है ना, जैसे शिप बनवाते हैं कोट पे, और बहुत सारी चीज़ें बनवाते हैं, क्या लूँ मैं नाम, जैसे शेर का मुँह बनाते हैं, हैं बहुत सारे। मैं आपको ना एक बार फ़ोटो सेंड कर दूँगी इस पर, ठीक है। तो आप वहाँ पर से देख के ना आपको मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बता देना कि जिसको जो बनवाना हो मेरे पापा बनवा देंगे, ठीक है। मेरे पापा खुद बनाते हैं तो देख सकते हैं गाइस। अभी ये मेरे पापा ने फूल बना रहे हैं, ये भी कोट ही है गाइस, आप देख सकते हैं इसकी कटिंग थोड़ी सी है ना, कोट है ये पूरा। यहाँ पर अभी ये जो है पत्ते वत्ते बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे पापा भी काट रहे थे, तो अभी नीचे गए हैं और सामान लेने के लिए इसका। तो जब वो काटेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी कैसे काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और भी सामान है मेरा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ गाइस। हमारे घर में ना एक बढ़िया सी चीज़ है, मुझे ना सबसे ज़्यादा उन्हीं से लगाव है, तो आज मैं दिखाती हूँ आपको गाइस। ये है हमारे छोटे से मिठू गाइस, देखो कैसे देख रहे हैं गाइस। ये जो है ना, ये वाली, ये देखो, ये काटने के लिए दौड़ती है ये मिठुनिया है, फीमेल है ये, मतलब हाँ फीमेल है।
बाकी ये वाला जो नीचे है ना इधर वाला, ये बच्चा है और ये वाला बड़ा हो चुका है, लेकिन ये अब हरकतें बंद बच्चों वाली करता है। गाइस ये बहुत जी ये ना मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, और ये सुबह में ना मम्मी मम्मी चिल्लाते हैं, लेकिन सुबह ही में चिल्लाते हैं, उसके बाद नहीं चिल्लाते, ऐसे चिल्लाएंगे जैसे पता भी ना चले कि मम्मी चिल्ला रहे हैं, सिर्फ मम्मी को ही बोलते हैं, मुझे तो बोलते ही नहीं है। तो गाइस मैं जो है, हाँ गाइस सबसे मेन आपको ये बताना था, भूल ही गई मैं, हमारे घर में तो और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस देखने को। ये देखो ये मेरे पापा का कलेक्शन है, जहाँ पे मेरे पापा ने कबूतर रख रखे हैं, देख सकते हो गाइस कितने सारे हैं, पूरी अलमारी मतलब पेटी जो है पूरी भर रखी है। तो गाइस यहाँ पे हमारे कबूतर हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे जो है ना कबूतर रहते हैं, और इधर ही हमारे तोते रहते हैं ये रहे, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक छोटा सा जो है चरपाई है, जिस पे हम लोग शाम के टाइम बैठते हैं। तो गाइस हम जो है अब आपको और चीज़ें दिखाते हैं, और हाँ हमारे यहाँ तो ये चिड़ियाँ भी हैं, देख सकते हैं गाइस, ये देखो हमारे घर में बहुत सारे जानवर हैं, तो आप देख सकते हो ये बहुत छोटी छोटी है, तो हमें मैं आपको कैसे दिखाऊंगी, देखो दिख रही है गाइस। तो बहुत सारा सामान है हमारे घर में। चलो गाइस और आगे बढ़ते हैं इस ब्लॉग में। तो मेरी मम्मी अभी रोटी बना रही हैं, तो मेरी मम्मी रोटी बना रही है, जब रोटी बन जाएगी तो हम लोग उसे मतलब खाएंगे सब्जी रोटी। तो गाइस यहाँ पे जो है पापा आ चुके हैं, तो यहाँ पे पापा जो काम कर रहे हैं ना, तो हमें आपको दिखाते जाएंगे, देखो पापा ये काम कर रहे हैं। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे मेरे पापा ने गड्ढा में लगाया है, और ये अक्का सब भी किया है, और इसका जो सेम पीस है ना वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये देखिए गाइस ये रहा, ये बिल्कुल ऐसा बन के तैयार होगा। मेरे पापा डिट्टो सेम बना लेते हैं ऐसे ही बिल्कुल सेम, ये भी मेरे पापा ही ने बनाया है। तो देखिए गाइस कैसा लग रहा है, गाइस ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैं भी जो है अपने पापा के लिए एक और बनवाऊंगी, पापा के लिए, मेरे पापा भी ऐसे ही फंक्शन में पहनेंगे। तो गाइस अगर आपको भी ये अच्छा लग रहा है ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे पापा और भी सूट मतलब काटते हैं, लहंगे वहंगे दुपट्टे और भी कढ़ाई करते हैं, तो आपको अगर वो भी कढ़वाना हो तो भी बता सकते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं, मेरे पापा से मिलते हैं, ठीक है। पापा हाय करो। हेलो गाइस। पापा सबको हेलो कर रहे हैं, हेलो कर दो गाइस पापा को भी। मेरे पापा पहली बार कैमरे के सामने आए, वरना आते नहीं है। तो गाइस जो है मेरे पापा जो है ना बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं, पापा भी कढ़ाई कर रहे हैं। तो पापा कुछ कहना चाहोगे कैमरे के आगे? क्या बोले बेटा, पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ मैं, पहली बार कुछ भी अगर अपना थॉट देना हो तो बताइए। ठीक है तुम बताओ। पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गाइस यहाँ पे जो है अभी हम ना और देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अंदर चलते हैं। गाइस देखो अब यहाँ पे रोटी मेरी मम्मी ने बना चुकी हैं, और मेरी मम्मी ने बनाई है बैगन की सब्जी। तो गाइस अभी हम जो है खाना खा लेते हैं, और उसके बाद में एडिटिंग पूरी करके जो है हम आपको वीडियो अपलोड कर। हेलो गाइस,